Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code 29E, Electronic Record, Section 2. Cyber stalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyber stalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC, and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड आया है, तो इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम होता है और क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वायर में शॉर्ट होता है, ठीक है, इसका बायोस खराब होता है, या तो फिर मॉइस्चर की वजह से इसका ब्रिज डाउन हो जाते, ऐसा प्रॉब्लम आता है इसमें, या तो फिर रैम स्लॉट में मॉइस्चर की वजह से इसमें डिस्प्ले नहीं आते, लेकिन ये अभी चालू नहीं हो रहा है। ओके, और इसका वीआरएम सेक्शन शॉर्ट है, क्योंकि जो लाया इधर वो मेरा फॉलोअर्स भी है और मेरा कस्टमर भी है, तो उन्होंने चेक किए थे और मैं अभी चेक कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए बाजार मोड में मैं रखा मल्टीमीटर को और यहाँ पे अभी चेक करूंगा ये वीआरएम का जो सप्लाई पोर्ट है इसमें चेक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 11 ओम्स आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका जो सीपीयू है मतलब प्रोसेसर अगर है तो इसको अगर निकाल देते तो ये ओम धीरे धीरे करके बढ़ेगा और ये बीप साउंड देना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीआरएम सही है, ठीक है, तो वीआरएम को भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर इसका जो ऑसिलेटर है ओके, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जो वी कोर होता है नया मॉडल में, लेकिन इसमें वी कोर नहीं होता। ओके, तो अब यहाँ पे हम मोसफेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 4 मोसफेट लगा हुआ है और इस साइड में 2, लेकिन वो वीआरएम से कनेक्टेड है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम इस साइड में। तो हम वीआरएम को पहले चेक करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बाजू में से दिखाऊंगा ताकि आपको दिखाई देगा। ओके, दिख रहा है। और अब यहाँ पे जो ये मोसफेट वगैरह लगा हुआ है इसको हम चेक करेंगे, इसको कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, सोर्स से गेट, मतलब उसमें शॉर्ट देखेंगे। इसमें देखिए ये ओम्स आ रहा है, मैं आपको ये मल्टीमीटर भी दिखा देता हूँ, इसमें आपको मल्टीमीटर भी दिखने को मिलेगा। और इधर भी आप ध्यान से देखिएगा, इधर से दोनों को मैं एक साथ नहीं दिखा पा रहा, थोड़ा सा इधर लाना है। अब देखिएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। ओके, अब देखिए टू ओम्स, तो इसका सोर्स टू गेट यहाँ पे 2 ओम्स आ रहे हैं, ये प्राइमरी होगा मोसफेट, ये मोसफेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें ये सेकेंडरी में ओम्स आ रहे हैं 570 के आसपास, और भी जूम आउट करना है तो देखिए यहाँ पे के आसपास आ रहा है। तो ये प्राइमरी वाला भी चेक करेंगे तो इसमें शॉर्ट नहीं है, लेकिन इधर शॉर्ट बता रहे हैं। अब देखिए 2 ओम्स आ रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो हम इसको पहले निकाल के देखेंगे, ओके, देन उसके बाद इसको चेक करेंगे फिर से। तो इसको निकालेंगे, लेकिन ये मोसफेट निकालने से पहले मैं इधर का ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये एकदम बाजू में ही है, तो उसमें ज्यादा हीट पड़ने से ये ड्राई हो जाएगा अंदर से पूरा और ये खराब होने की चांसेस रहता है। तो हम इसको पहले निकाल लेंगे कैपेसिटर को। ओके, और ये मैं ब्लोअर से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ब्लोअर से ये उतना अच्छा से नहीं होता है, क्योंकि जो आयरन से होता है तो ये सिर्फ इसका मेटल का जो लीड है उसे गर्म करता है, लेकिन जो ब्लोअर होता है, ठीक है, तो वो ब्लोअर से ये पूरा का पूरा सरफेस, मतलब जिधर वो हवा जितने तक ब्लो करेंगे उतना तक वो गर्म कर देगा। तो इसकी वजह से मैं ये सिर्फ लीड को गर्म करूंगा और ये आयरन से इसको निकाल दूंगा।
इसको पीछे से धीरे धीरे करके मैं खींच रहा हूं कैपेसिटर को, ओके, और ये निकाल गए, ये बाद में लगाऊंगा। और अटेंशन आपको करना है यहाँ पे कि जब आप ये आयरन से निकाल रहे हैं तो आपको आयरन जो है वो आयरन ज्यादा से ज्यादातर हीट होना चाहिए, मैक्सिमम, ओके। तो अगर मैक्सिमम हीट वहां पे नहीं हुआ तो आप जब ये निकालेंगे ये कैपेसिटर, तो इसका जो लीड है यहाँ पे देखिए, ये जो लीड है, लीड एक सिलेंडर जैसा उधर अंदर होता है यहाँ पे बोर्ड में, तो वो सिलेंडर के अंदर ये जाता है, तो वो सिलेंडर के साथ ये निकल जाता है, तब क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है उसका सर्किट, तो ये काम नहीं करता है बाद में, ओके। तो निकालिएगा संभल के, और ज्यादा हीट जो आयरन होता है वो उसका यूज कर दिया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर निकाल दिया यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत आसानी से इसको निकाल पाएंगे हम, तो इधर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, बोटा घाट नहीं देते कारण घेटे दिले एक बोटा हवे ना, ये निकाल दिया मैं, और अब इसको चेक करूंगा। ओके, अच्छा, ऑडियो कोडेक में अगर प्रॉब्लम हो गए भाई तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा मेरे को लगता है कि ऑडियो कोडेक में प्रॉब्लम हो रहा है और वीडियो के आगे पीछे वॉइस हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ, ये दो ओम्स यहाँ पे सोर्स से गेट तक आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मोस्फेट में नहीं आता। ओके, मैं ब्लोअर को थोड़ा सा धीमा कर देता हूँ ताकि आपको ये बीप साउंड का आवाज जो आ रहा है ना वो भी सुनाई देगा। ओके, तो लेट्स चेक, देखिए आप देख सकते यहाँ पे दो ओम्स आ रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं आना चाहिए। ओके, और अब यहाँ पे ड्रेन के ऊपर मैं ब्लैक प्रोब रखा, ओके, अब इसको चेक करेंगे। देखिए ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू गेट, सब जगह पे यहाँ पे दो ओम्स आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये शॉर्ट जब होता है तब दूसरी जगह पे भी ये प्रॉब्लम कर देता है, इसका जो ऑसिलेटर आईसी होता है ये इसे भी खराब कर देता है कभी कभी, लेकिन हम इसको चेंज करके देखेंगे, मतलब दूसरा लगा के देखेंगे, ये तो अब फिर से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खराब हो गया है। और अब इसका जो सीपीयू है इसको डालेंगे बिना मॉस्फेट की, अब चेक करेंगे एक बार। ठीक है, इसके लिए मैं सीपीयू को डाल रहा हूं, मतलब प्रोसेसर को डाल रहा हूं। ओके, और अब यहां पे चेक करना है, बिल्कुल ओम्स आ रहा है। ओके, और ये कैपेसिटर जो निकाले थे उसे भी लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले ये मॉस्फेट को लगाएंगे। ओके, तो मैं एक मॉस्फेट निकाला दूसरी मदरबोर्ड से, ये देखिए, पर इसका नंबर अलग है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सेम लगाना है कि नहीं है, ये नहीं है कि, लेकिन इसका ओम सही होना चाहिए। ओके, मतलब वाटेज सही होना चाहिए और ओम्स भी सही होना चाहिए। तो ये देखिए हम चेक करेंगे यहाँ पे, 436 ओम्स आ रहा है इसका ड्रेन टू सोर्स। ओके, और यहाँ पे अगर टच करते तो ये ट्रिगर हो जाएंगे, ये ट्रिगर हो गया। ओके, ये डिस्चार्ज किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे सोर्स टू गेट कोई वैल्यू नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, तो ये सही है। अब इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे,
दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। ओके, तो ये बिल्कुल लग चुका है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, और ये जो ज्वाइनिंग होता है ये बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब इसका जो कैपेसिटर निकाले थे हम, इसको लगा देंगे। ओके, थोड़ा सा ये जो लीड टेढ़ा मेरा हो गया है इसको सीधा करना है, नहीं तो प्रॉपर नहीं लगेंगे। और ये नेगेटिव पॉजिटिव देख के ही आपको लगाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, मतलब कि बोर्ड चालू ही नहीं होगा। ठीक है, ओके, सुन बोर्ड धरो। अच्छा, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, और ये जहां से अपने निकाले थे वहां पे थोड़ा सा सोल्डर लगाइए पहले, और लगाने के बाद जैसे था वैसे सेट कीजिए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और सोल्डरिंग करके क्लीन कर देंगे। ओके, अब देखिए यहां पे दिख रहा है, यहां से मैंने निकाल के इसको दोबारा लगाया, कैपेसिटर को बिल्कुल सही लगाया, और जो मोस्फेट खराब था यहां से उसको मैं चेंज करके दूसरा लगाया। और अब देखना है कि यहां से शॉर्ट सर्किट फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, 330 ओम्स बदल के चेक करेंगे। बढ़ रहा है, ठीक है, अब इसको चेक करेंगे ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखेंगे। और अब इसे चालू करेंगे, ओके, फैन, चालू नहीं हो रहा है फिर से, तब भी शॉर्ट तो हट गया है लेकिन अभी भी ये चालू नहीं हुआ।
चालू होके बंद। तो एक बार फिर से VRM को हटा के देखेंगे। चालू हो रहा है, मतलब इसका CPU भी जल चुका है शायद। ओके, तो इसका CPU भी चेंज करेंगे। CPU दाखो तो सुमन वही बोर्ड थे दाओ। CPU टा गया तुम्हारा मुने हो कन्फर्म हो जाए। সব ঠিক হয়ে গেছে। তো আর একবার দেখেঙ্গে কি ইয়া পে কুছ ফেল তো নেই হো রহা হ্যায়। মতলব মে মেরা CPU লাগায়া হ্যায় ইসমে ইসমে তো তব ইয়ে এসা হো রহা হ্যায়, লেকিন VRM কা শর্ট অভি হট গয়া হ্যায়। ঠিক হ্যায়, ফির সে আয়া কি নেই আয়া দেখুঙ্গা ও। ওকে, फिर से नहीं आया, मतलब ये सही तो सही हो गया है, लेकिन यहाँ पे इधर जो MOSFET है इसको भी हम चेक करेंगे। लेकिन इधर तो कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहे हैं। ये कॉइल का ओम्स है, चलिए इसको थोड़ा सा ड्राई हीट कर लेते हैं और देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको ड्राई हीट कर लेते हैं। और अब इसको फिर से चालू करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। बंद हो रहा है, लेकिन ये VRM हटाने से ये चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ठंडा होने तक, उसके बाद देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हम एक शॉर्टकट तरीका इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, ये PWM सिग्नल IC। ओके, तो इसका नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। नंबर है RT9607। ओके, तो ये मैं रख दिया ये बोर्ड, और दूसरा एक बोर्ड मेरे पास है जो कि दूसरी जगह पे है, वो IC, लेकिन है वही IC है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे RT9607 इसमें भी है, तो ये निकाल के उधर लगाएंगे, लेकिन ये खोल के पहले देखेंगे एक बार कि ये VRM लगाने से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं। ट्वीज़र,
इधर ही रखता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके चल रहा है, सॉरी जूम चल रहा है। देखिए ये VRM भी लगा हुआ है, VRM का सप्लाई तब भी चल रहा है, मतलब वो ही शॉर्ट हुआ है। लेकिन उसके बाजू में एक छोटा सा IC वो भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मैं चेंज करके देखेंगे क्योंकि उतना चेक करने के टाइम नहीं है अभी। तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है IC RT9607 ये लगाएंगे वहां पे। ओके लेकिन पिन कम ज्यादा तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम नंबर का है लेकिन पिन थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, दो पिन का फर्क होता है। ओके सुमन धरे तो अरे ওইটাই হচ্ছে কেন গরম লাগবে। सेम पिन का ही है। ओके बराबर लगाया और अब एक बार इसको फिर से चेक करेंगे। और ये गंदा IC गंदा की सही है नहीं मालूम, पर साइड में रखता हूँ और यहाँ पे फैन लगा के इसको फिर से चालू करके देखेंगे। ओके चल रहा है, सही निकला, प्रॉब्लम। अब RAM लगा के चेक करेंगे, पर मेरे पास तो DDR2 नहीं है, एक है वो चली गई।